हाँ जी बेटा, चैप्टर नंबर 9। अब बेटा व्हाट वी हैव टू डू फ्रॉम दिस चैप्टर, फर्स्टली द नेम शुड बी क्लियर टू अस, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है? जब हम हर किसी पोजीशन को नेचुरल नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। मान लीजिए आई एम हैविंग सम नंबर्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, सपोज 2, 4, 6, 8, 0, -2, -4, so on. I called it sequence as they are following certain pattern and we associate each position or each number with a natural number. How? I called it first term. First one. नेचुरल नंबर के साथ कोरिलेट हो रहा है। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। द वैल्यू ऑफ द फिफ्थ टर्म इज मेरे पास हो गए 4, सिक्स्थ टर्म, सेवन टर्म एंड सो ऑन। आई एम कोरिलेटिंग ईच टर्म विद द नेचुरल नंबर। तो सच टाइप ऑफ पैटर्न जो है आई कॉल्ड इट एज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है मेरे पास, जरूरी नहीं है कि वो एपी ही हो। इट्स नॉट नेसेसरी, सीक्वेंस कैन बी एनी। जिन्होंने एनटीएससी दी हुई है, एग्जाम दिया हुआ है, आपको पता है कोई भी पैटर्न जिसमें हम टर्म्स को नेचुरल नंबर के साथ कोरिलेट करते हैं, दैट पैटर्न इज रिप्रेजेंटेड एज सीक्वेंस। ये सीरीज कब बनती है? जब हर टर्म को हम प्लस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई राइट लाइक दिस, -4 + -2 + 0 + 2 + 4, आई कॉल्ड इट एज सीरीज। यही फर्क है, यहां कॉमास में लिखा जाता है, वी कॉल्ड इट फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। Here we have to represent a pattern in the form of plus, 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 plus. Then we called it as a series, nothing else. Plus yeah. Agar negative ho bhi, suppose I write like this, I can rewrite it like this. So that's one. Okay, beta. Series ko hum short form mein. We can write it summation. An, understood it, where n varies from 1 to n. We never write 0. Reason? क्योंकि natural number के साथ कभी आपने कहा ये zeroth term है? We never say. मैंने starting में ही आपको बोला we compare it with the natural number. That's why, क्योंकि counting numbers के साथ, और counting numbers को हम natural numbers ही कहते हैं, तो दैट्स व्हाई वहां पर हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके बेटा, क्लियर? ये पहले पेज पे उन्होंने ये सारी थ्योरी दी हुई है, जिसमें उन्होंने अलग अलग एग्जांपल्स देके आपको बताया है सीक्वेंस ऐसे होता है, सीरीज ऐसे होती है, ठीक है। और हमारे पास जो है, अगर टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म सीरीज में फिक्स है, we called it as a finite series. If number of terms जो है मेरे पास so on लिखा है, that means infinite है, we called it as infinite series. Last boy, your concentration is not here. Be attentive beta. Okay जी, अब हमें क्या दिया जाएगा? What is written here? जो है, अच्छा, सीरीज में ये नहीं है कि प्लस लिखा है तो मतलब हमें ऐड करना है ना। वी राइट 1 + 2 + 3 + डजंट मींस कि वी हैव टू ऐड इट्स ऑल दिस नंबर। इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। ओके जी, नाउ बेटा, अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ना ये वर्डिंग सम ऑफ अ सीरीज, that means ki we have to add the sum.
वी नॉर्मली यूज दिस फ्रेज कि सम ऑफ अ सीरीज, तो तब हम उनका एडिशन मतलब करते हैं और वी कैलकुलेट. ओके नाउ नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए, आई एम हैविंग एग्जांपल फर्स्ट. राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. दे राइट देयर ना सीक्वेंस, दैट मींस एट द एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट द नंबर विद कॉमास. ओके एंड व्हाट इज रिटन हियर, ए एन is equals to 2n plus 5, same as in case of AP in 10th class when it is mentioned in the statement write the first three terms of the, कहते थे कि नहीं AP, they write normally like this na, so same here because we are not aware that it is AP or not, so that's why they just write sequence. So for that what we have to do, A1 that means 2 into 1 plus 5 that is 7, after that A2 that means 2 into 2 plus 5 that is 9, A3 haan ji 6 plus 5 11, as they write in the statement write the sequence, so you have to write the answer is 7, 9, 11. If they write the series, then how you have to write 7 plus 9 plus 11, no need to add them again, I am saying. Okay, clear? Infinite hota to alag cheez hai, uske liye hum GP series dekhte na na na, ye first three terms bola hai na, kaise matlab nahi beta, usne kaha first three. फर्स्ट थ्री में अंडरस्टूड है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म आई नीड टू कैलकुलेट. ठीक है जी, नाउ द नेक्स्ट कम टू एक्सरसाइज बेटा, एक्सरसाइज 9.1, वेरी इजी टू डू दैट. इट इज रिटन राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स जो है ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1, 2, 6. Whose nth term is given to you, Pulkit? Where is copy? Where is pen, beta? Khud socho, beta. Ki aapne, if you come to school, you have to study. Nahi dil hai, to go and wash your face and then come. Thoda mind change ho jata. Ana, but abhi to second period hai. Abhi nahi humara dhyan lag raha, to aage to bilkul hi nahi lagega. Am I right, Pulkit? Chalo beta. Haan ji. I am doing question number 3. I have to write first 5 terms. Now how I will represent it? Yes. A1, 2 power 1, that is 2. A2, okay. A3, A4, then A5. ओके जी, एट द एंड दे राइट देयर कि ईच ऑफ द सीक्वेंस, सो द आंसर इज 2, 4, 8, 16, 32. ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. नाउ इट्स नॉट नेसेसरी दैट द कॉमन डिफरेंस या कोई भी पैटर्न जो है वो एपी या जीपी, अभी आपको जीपी पता नहीं है, मैं नेम जरूर ले रही हूँ बार बार, बट अभी जब हम एपी करेंगे उसके बाद जीपी भी करेंगे, कि इन दो प्रोग्रेशंस में लाए करें, ठीक है, या दो सीक्वेंस में लाए करें, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें नेक्स्ट टर्म जो है ना प्रीवियस टर्म पर भी बेस्ड हो सकती है. जैसे मैं आपको कहूं टी एन इज Tn-1 plus Tn-2. What does it mean? कि जो nth term है, it is the sum of previous two terms. और आपको one जो है A0 दे दिया जाए या A1 दे दिया जाए, कुछ ना कुछ दिया होगा, या first two terms दे दी जाए, तभी ये possibility होता है, कुछ ना कुछ condition दी होती है. नहीं तो अगर An-2 है, आप n1 पुट करोगे तो वो तो a-1 हो जाएगा,
मैंने आगे भी बताया पोजिशंस टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जीरो भी नहीं होती है. सो दैट्स व्हाई वहां पर वो फर्स्ट टर्म या ए वन और ए जीरो वो कुछ स्पेसिफाई कर देता है कि ये टर्म वैल्यू होगी होगी उसकी. ओके जी, लेट अस डू द क्वेश्चन. हाँ जी, फर्स्टली सेवन टर्म, फर्स्टली वेरी इजी. इट इज रिटन ए एन इज 4n-3 एंड वी नीड टू कैलकुलेट बेटा 17th टर्म एंड 24th टर्म. दैट इज वेरी इजी. क्या करेंगे? वेरी गुड. एंड 17 पुट करेंगे नेक्स्ट में एंड 24 हो जाएगा ना. हाँ जी, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9th. माइनस वन की पावर एन, एन क्यूब ए 9. हाँ जी, क्या करेंगे हम? एन की वैल्यू क्या लेंगे? 9. तो मेरे पास कहां पर? ओके जी, ओके. हाँ जी, तो मेरे पास एन की वैल्यू व्हेन यू पुट 9, तो 8 और 9 पावर 3. सॉल्व इट एंड गेट द आंसर. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. जो अभी बात कर रही थी, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स फ्रॉम द एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज. दे राइट, जब भी आपको सीरीज या सीक्वेंस कहा है और कुछ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बोलेगी तो राइट फर्स्ट 3-4 टर्म्स. फर्स्ट 3 भी लिखोगे तो चलेगा. ओके जी, तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, फर्स्टली वी कैन राइट द स्टेटमेंट एंड इट इज मेंशन देयर इन द 11th क्वेश्चन. ए वन इज 3, ए एन इज 3a(n-1) प्लस 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 1. दे मेंशन देयर. अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैंने एमसीक्यू में डालना है ना, तो मैं कैसे ऑप्शन डाल सकती हूँ पता? आई हैव रिटन दिस, ए वन इज दिस, ए एन इज दिस, देन व्हाट इज द कंडीशन ऑन एन सो दैट दिस कैन बी ट्रू, एन इज ग्रेटर देन 1. क्यों? क्योंकि अगर एन 1 हो गया तो यहां पर 1-1 0. मैंने आपको पहले ही बताया टर्म 0th टर्म कभी भी नहीं होती, मिनिमम फर्स्ट टर्म से हम स्टार्ट करते. तो इसीलिए थी जस्ट मेंशन कि एन की वैल्यू 1 से बड़ी है. पॉइंट्स में तो वैसे नहीं होती, तो दैट मींस कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से. तो पुटिंग एन इज इक्वल्स टू 2, व्हेन यू पुट हियर यू विल गेट 2-1 1, दैट मींस ए 1 प्लस 2. ए 1 की वैल्यू कितनी है? देन सब्स्टिट्यूट हियर, आंसर इज 11. नाउ ए 3, व्हेन यू पुट 3 a 2 plus 2 एंड ए 2 यू हैव कैलकुलेटेड. अब देखो लो, प्रीवियस टर्म पर बेस्ड है ना ये, तो दैट मींस 11 प्लस 2 दैट मींस 35. सो ऑन, ऐसे ही निकाल सकते हो बिकॉज दे राइट की राइट इन सीरीज, कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज. तो एट द एंड यू हैव टू राइट फर्स्ट इज 3, सेकेंड इज 11, 35 प्लस सो ऑन. मैं वैसे ऑफ सीरीज की बात कर रही हूँ, वो तो निकाल लो गई ना, अगर वहां 5 टर्म्स कहीं है तो निकाल लो गई. हाँ जी, कुछ भी नहीं किया बेटा मैंने, सबसे पहले स्टार्ट किया 2. रीजन 2 क्यों था? बिकॉज एन इज ग्रेटर देन 1 एंड एन इज अ नेचुरल नंबर, तो आफ्टर 1 इट कम्स 2. सो दैट्स व्हाई आई पुट एन इज इक्वल्स टू 2. व्हेन यू पुट हियर 2 एंड 2-1 1 प्लस 2, तो मेरे पास बेटा ए 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3. आई पुट हियर 3, 9 प्लस 2 11,
Now I need the third term, and the third term means यहाँ पर n three. When you put three, three minus one, two, three a two plus two. तो a two की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 11. तो three into 11 plus two, 35. So on आ गई t four, a four भी निकालिए, a five भी निकालिए. Okay बेटा, clear? हो जाएंगे ये सारे questions? Okay, you can try 12th and 13th question. Okay, beta. Now let us discuss question number 14th. जो है Fabonic series जो है sometimes we called it जो है Fabonacci जो है pronunciation आप पे depend है. आपको ये सीरीज लर्न भी करनी है. ओके, व्हाट दैट सीरीज इज, क्वेश्चन नंबर 14. वन इज ए वन इक्वल्स टू ए टू, ए एन इज ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, जिसकी मैंने बात की थी. Every next term is the sum of two previous term. Okay, ji. Suppose I have to write a three. It is a sum of a one plus a two. Okay, beta. Now it is written n greater than two. Why they just mention n greater than two? Because agar n two ya one lete hain, to ye zero ho gaya aur ye negative aa gaya. टू लेते हैं तो टू माइनस टू ये जीरो हो गया, और ये तो चलो वन नहीं रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं. सो दैट्स व्हाई. ओके जी, अब मेरे पास जो है दे जस्ट राइट फाइंड जो है फाइंड ए एन प्लस वन बाय ए एन, वेयर एन इज दिस. मेरे पास हो गए अब बेटा फाइव तक ही है. बिल्कुल जी, मुझे ये सारी वैल्यूज निकालनी. बेस्ट वे क्या होता है, फर्स्टली यू पुट वन, वन के लिए निकालना है ना. व्हेन यू पुट हियर वन, एन इज वन, आई गॉट ए टू बाय ए वन. ए टू आपके पास वन है, ए वन वन है. पुट द वैल्यू वन बाय वन, आंसर इज वन. पहला केस हो गया. ओके, नाउ यू नीड एन इज इक्वल्स टू टू. अब बेटा एन टू है, दैट मीन्स वेन यू पुट एन टू यू नीड ए थ्री बाय ए टू. आई एम नॉट हैविंग ए थ्री ना, हाउ आई कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस. ओके, आई नीड ए थ्री. A three equal to A two plus A one. One plus one. Answer is two. Two by one. Answer is two. Second case हो गया. Same way. You can calculate n is equals to three. For that, when you put n three, हाँ जी A four by A three. I need A four. हाँ जी, तो थ्री प्लस टू वाला करेंगे. हाँ जी, टू प्लस वन थ्री, दैट मीन्स यू राइट थ्री बाय टू. ऐसे ही फॉर द केस एन इज इक्वल टू फोर एंड एन इज इक्वल टू फाइव. ओके बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? श्योर. ओके बेटा, कम टू नेक्स्ट. दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट एक्सरसाइज. वेरी इजी बच्चों जैसे क्वेश्चन से, है ना. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. कैन यू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? वी डिवाइड सीक्वेंस एंड सीरीज इन टू टॉपिक, बेसिकली थ्री टॉपिक्स, बट वन टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम द बुक. So that's why now we are having only two topics.
okay, that is KP and GP. KP is arithmetic progression and GP is geometric progression. Arithmetic में दो consecutive terms को subtract करें, किसी भी दो consecutive terms को subtract करते जाएं, the answer will remain same. Okay, लेकिन geometric progression में GP में दो consecutive terms को divide करें, मतलब T2 divided by T1, T3 divided by T2, T7 divided by T6, that will remain same. जैसे AP में हम दो terms का difference करते थे, उसे क्या कहते थे? Common difference. ऐसे ही GP में जब दो terms को divide करते हैं, we called it common ratio. Divide means ratio हो गई ना? Okay जी? Same pattern. वहाँ nth term किया, यहाँ पर भी nth term करोगे. वहाँ पर जो है आपने sum किया, यहाँ पर भी sum of n terms करोगे. एक extra करोगे sum of infinite terms. ठीक है, थोड़ा सा. अब एक जो नई चीज AP में add करनी है, that is AM, arithmetic mean. Same way आप क्या करवाएंगे इस चैप्टर में? GM करवाएंगे, geometric mean. सारा कुछ सेम है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं पहले चलूंगी, क्योंकि एपी तो आती मेरे बच्चों को आती है ना सबको, इसीलिए arithmetic mean का मीनिंग भी नहीं बताया, इतनी आती थी. एपी का मैंने मीनिंग पूछा बेटा, मैंने तो ये पूछा ही नहीं क्या कटा क्या नहीं. आई आस्क यू कि वो हाउ कैन यू, आपने किसी बच्चे को समझाना है कि ये एपी होती है, कैन एनीबॉडी टेल मी वो क्या? Any pattern which can be obtained, listen me beta please. आपने कहा कि मैम common difference is same. अगर मैं starting में अभी बिना ये बताए कि हम divide करके देखते हैं और मैंने कहा कि उसको common ratio करते कहते हैं, अब जिन बच्चों ने नहीं किया होता मैं कहती बेटा जिसमें कॉमन रेशियो सेम होती, आप मुझे बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ आती? हार्डली एक या दो की रेशियो है, अच्छा मतलब डिवाइड कर देंगे, बट उसको ये नहीं पता होगा कि बाद वाली पोजीशन वाली टर्म ऊपर रखनी है. मतलब अगर T6 और T7 है तो T6 ऊपर रखनी है, T7 ऊपर, T6 नीचे रखनी. नहीं पता था ना, तो ये तो गलत डेफिनेशन होगी ना. डेफिनेशन ऐसे होनी चाहिए जिससे हमारा क्लियर कट मीनिंग डिपिक्ट हो और वो हर केस को सेटिस्फाई करे. तो अगर मैं ये कहती एक एपी को समझाने के लिए, एपी एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हर न्यू टर्म कैसे ऑब्टेन होती है, बाय एडिंग कॉमन डिफरेंस टू द प्रीसीडिंग टर्म. अब वो कॉमन डिफरेंस चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमें क्या, कई बार होता है ना सीरीज या सीक्वेंस डिक्रीज करता है, करता है कि नहीं, कई बार क्या करता है इंक्रीज ही करता है, तो वो कॉमन डिफरेंस पर बेस्ड हो गए ना. डी बाय एडिंग अ फिक्स्ड टर्म टू द प्रीवियस टर्म, तो अपने आप अगर मैं ये माइनस करूं तो ये कॉमन डिफरेंस ही आ गया, आया कि नहीं, और 100% है n ग्रेटर देन 1 ही यहां पर हम लेंगे, तभी क्योंकि तभी हम कहते हैं कि एपी में मिनिमम दो टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए, तभी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. एक ही टर्म है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें. अच्छा ये डी जीरो भी हो सकता है, अगर मैं कहूं 2 2 2 2 2 2 It's an AP.
क्योंकि टू माइनस टू, टू माइनस टू, टू कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है क्या नहीं है ना। अब हम दोनों चीजों के ना साथ साथ कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चले, ठीक है वो पहली दो एक्सरसाइज उसकी है फिर अगली उसकी है, बट आई कैन डू साइड बाय साइड सो दैट आपको डिफरेंस पता चले। ओके सबसे पहले एपी, आई एम राइटिंग हियर जीपी, एपी में जर्नल जो सीक्वेंस होती है दैट कैन बी रिटन एज ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी सो ऑन, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टी एन माइनस टी एन माइनस, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टी थ्री माइनस टी टू, टी सेवन माइनस टी सिक्स, टी एन माइनस टी एन माइनस वन, मैंने जर्नल बता। ओके लास्ट टर्म, चलो पहले जर्नल टर्म लिख दे, क्या होती है एपी की जर्नल टर्म, वेरी गुड, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, अगर एक सीक्वेंस में एन टर्म्स है तो एपी की लास्ट टर्म क्या होती है, एन टर्म, और उसे क्या कहते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही होती है, एन टर्म को ही वी कॉल्ड इट लास्ट टर्म इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर एन। ओके जी नाउ कम टू जीपी, जीपी में जर्नल सीक्वेंस को लिखने का मेथड, गुरजोत ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो ऑन, हियर अगेन ए इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो आर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी एन ओवर टी एन माइनस वन। ओके जी नेक्स्ट nth टर्म बता सकते हो, अगर फर्स्ट टर्म में देखो r की पावर जीरो, सेकेंड टर्म में r की पावर वन, थर्ड टर्म में r की पावर, व्हाट डज इट मींस, कि जितनी टर्म है r एक कम है, जितनी टर्म है पोजीशन है टर्म की r की पावर उससे एक कम, तो दैट मींस इफ आई वांट टू राइट टी एन तो दैट इज ए आर पावर एन माइनस वन, और अगर किसी जीपी सीक्वेंस में एन टर्म्स हैं तो 100% लास्ट टर्म ही यही होती है, दैट इज ए आर पावर एन माइनस वन। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं अभी तक, एनी डाउट इन योर कम इन योर माइंड, चले आगे। और हमने एपी के बारे में क्या किया था, सम किया था। ओके एस एन क्या सम होता है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन, वन मोर फॉर्मूला वी हैव डन, ए प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। अब बात करें जीपी की, सम ऑफ एन टर्म्स, हाँ जी ए आर पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, हम ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन, कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन वन, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ध्यान से सुनना, और आर अगर लेस देन वन है तो इन बुक्स मेनी टाइम्स दे राइट लाइक दिस, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, अगर ये वन है तो इसने पॉजिटिव बनाया ये भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आर लेस देन वन है तो ऊपर वाली टर्म नेगेटिव हो जानी थी, ये भी नेगेटिव हो जानी थी, तो वो नेगेटिव को जस्ट कई बार एन की वैल्यू आपको दी नहीं ना होती, आंसर एन में ही होता है,
तो जस्ट टू मेक देम पॉजिटिव हमने ये कंडीशंस लगा दी, अदरवाइज फॉर्मूले में डिफरेंस कोई नहीं है। नेगेटिव इधर से कॉमन लो, नेगेटिव इधर से कॉमन लो, अपने आप यही फॉर्मूला बन जाना। ओके क्लियर, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, जस्ट टू मेक इट पॉजिटिव हमने ये कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। ओके बेटा सबको क्लियर है यहां तक, एनी डाउट दैट कम्स इन योर माइंड? अच्छा बेटा, अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है, अगर मैं हर टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से ऐड कर दूं, तो रिजल्टेंट फिर से क्या रहता है? एपी में ही है। माइनस कर दूं तब भी एपी में रहता है, मल्टीप्लाई कर दूं तो भी एपी में रहता है, डिवाइड कर दूं तो भी एपी में रहता है। इज इट क्लियर? सपोज आई एम हैविंग सीक्वेंस A1, A2, A3, A4, so on. और आई एम सेइंग कि दीज आर इन एपी, देन मेरे पास हो गए K A1, K A2, K A3, दैट इज ऑल्सो इन एपी। ओके जी, मल्टीप्लाई कर दू, प्लस कर दू, माइनस कर दू, एपी में ही रहते। अच्छा एक और मुझे चीज बताइए, इफ थ्री टर्म्स आर इन एपी, अब क्या कंडीशन बताते थे? इफ थ्री टर्म्स, बिल्कुल बिल्कुल, जो गए आप कहते थे बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, कॉमन डिफरेंस विल रिमेन सेम। जब आप करते थे ना बेटा बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, यहां से एक डेरिवेशन निकालेंगे, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस, ये एपी में होता है। लेकिन अगर थ्री टर्म्स जीपी में है, बिल्कुल जी बिल्कुल, इफ थ्री टर्म्स आर इन ए जीपी, अब जीपी में मेरे पास क्या होता है, कॉमन रेशियो इज सेम, तो दैट मीन्स मेरे पास हो बी बाय ए शुड बी इक्वल टू सी बाय बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी स्केल, दोनों में डिफरेंस पता चला। इफ थ्री टर्म्स आर इन जीपी, स्क्वायर ऑफ द मिडल, स्क्वायर ऑफ द मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, शॉर्टकट में ऐसे कहते हैं, इफ थ्री टर्म्स आर इन जीपी, स्क्वायर ऑफ द मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बार बार वाली टर्म है ही दो, बट इफ थ्री टर्म्स आर इन एपी, ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम। दिस इज द वे हाउ यू लर्न दिस शॉर्टकट। ओके, कोई बड़ा शॉर्टकट नहीं है, इजी सा है, जस्ट वैसे, बात समझ आई बेटा? फिर एक मैंने बताया आपके पास एपी में है, आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर दीजिए, आंसर एपी में ही हमारे पास रहेगा ही रहेगा। ओके बेटा क्लियर, एनी डाउट अप टू दिस लेवल? सबको क्लियर है? ठीक है, टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट, जो है कल टेस्ट है उसके बाद। ओके, एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स मैंने नहीं कराने, दैट इज योर होमवर्क, बिकॉज दैट इज टोटली बेस्ड ऑन प्लस टेंथ क्लास। ओके, डे आफ्टर टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज, बी रेडी विद दैट, बिकॉज वो आप लोगों ने ही करनी। ओके बेटा क्लियर, टिल देन गुड बाय एंड टेक